अयोध्या के नजदीक बना सीएम योगी का मंदिर, रोज होती है आरती और भजन, जानिए किसने कराया निर्माण। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में कितने लोकप्रिय हैं, इस बात का अंदाजा यूपी विधानसभा में लगातार उनकी दूसरी जीत बताती है। सीएम योगी प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में लोकप्रिय हैं, यहां तक कि लोग उन्हें भगवान मानने लगे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का उनके समर्थकों ने मंदिर तक बनवा दिया है। इतना ही नहीं, उस मंदिर में वे हर रोज पूजा और आरती भी करते हैं। दरअसल गोरखनाथ मठ के महंत को समर्पित एक मंदिर अयोध्या में बनाया गया है, जहां लोग उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की पूजा कर सकते हैं। अयोध्या के भदरसा गांव में प्रयागराज अयोध्या राजमार्ग पर भरत कुंड के पास प्रसिद्ध राम जन्मभूमि मंदिर स्थल से 25 किलोमीटर दूर योगी आदित्यनाथ का योगी मंदिर स्थित है। सीएम योगी को समर्पित इस मंदिर में श्रद्धालु उत्तर प्रदेश सीएम की मूर्ति की पूजा कर सकते हैं। योगी की मूर्ति उनके हाथों में धनुष और बाण लिए उन्हें उनके भगवा पोशाक में दिखाती है। यहाँ हर शाम मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है। इसके अलावा पूजा के लिए सीएम योगी को समर्पित भजन भी गाए जाते हैं। दरअसल मंदिर का निर्माण करने वाले प्रभाकर मौर्य ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों के लिए राम मंदिर बनवाया, इस तरह वह खुद के मंदिर के हकदार थे। प्रभाकर मौर्य ने कहा, हमने उनके लिए एक मंदिर बनाया है, इसने हमारे लिए भगवान राम का मंदिर बनाया है। आपको बता दें कि सीएम योगी के कार्यकाल में राम मंदिर पर फैसला आया, जिसके बाद तेजी से राम मंदिर निर्माण का कार्य जारी है। अयोध्या में गर्भगृह और भूतल पर 5 मंडप वाले राम मंदिर के 3 मंजिला अधिरचना का निर्माण कार्य जारी से शुरू हो गया है। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि अधिरचना का निर्माण 6.5 मीटर यानी कि 21 फीट ऊंचे चबूतरे पर किया जा रहा है, जो इसका सीधा भार उठाएगा। मंदिर ट्रस्ट ने कहा कि मंदिर का निर्माण कार्य प्रगति पर है, भक्त भगवान राम का दिसंबर 2023 तक मंदिर में पूजा अर्चना कर सकेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट ने आगे कहा कि मंदिर और परिसर की कुल निर्माण लागत लगभग 1800 करोड़ रुपए होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज़।